रीवा में भारी बारिश के चलते पूरी सड़क पानी से लबालब हो गई, जिसकी वजह से वहां से गुजर रही एक कार सड़क किनारे बने बड़े गड्ढे में जा गिरी। पानी के निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से यह हादसा हुआ। वहीं इस घटना ने रीवा के विकास के दावों की पोल खोल कर रख दी है। घटना रीवा के व्यस्तम मार्ग सिरमौर चौराहे की है, जहां आए दिन बारिश के पानी से सड़क लबालब भर जाती है, जो कि आने जाने वाले वाहनों और राहगीरों के लिए मुसीबत का सबब बन जाता है। इसी तरह की एक घटना में बारिश के चलते एक कार सड़क किनारे बने एक बड़े गड्ढे में घुस गई। इस घटना ने रीवा के विकास के बड़े बड़े दावे करने वाले नेताओं और प्रशासन की पोल खोल कर रख दी है। ऐसे कई गड्ढे रीवा में मिल जाएंगे, जहां आए दिन हादसे होते रहते हैं। कब कौन सी सड़क खोद दी जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। शासन सिर्फ सड़क बनाने की जिम्मेदारी लेता है, बाकी सड़क के बीच में ब्रेकर कैसे हैं या सड़क में गड्ढे कहाँ हैं, इसकी जवाबदारी जनता की खुद है। बारिश में ये पता लगाना मुश्किल है कि सड़क कहाँ है और नाली कहाँ है, या यूं कहें कि बारिश के पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था न होने से हादसे होना आम बात हो गई है। बहरहाल इसके लिए शासन को दोष दे या नगर निगम को, भुगतना जनता को ही पड़ेगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।